करके कोई जयकार नहीं करेंगे, हाथ जोड़ करके जयकार करेंगे। जयकार तो मुंह से करेंगे, हाथ ऊपर कहे करते हैं। श्री सदगुरु महाराज उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा धर्मानुरागनी माता एवं बहनों, आराध्य देव के असीम कृपा से ब्रह्मा और भगवान शिव के संवाद का पाठ आप लोगों को सुनाया गया। संत मत के सत्संग में किनकी प्रधानता है प्रवचनकर्ता को, तो पहले इनको जानकारी लेना चाहिए। संत मत के सत्संग में महाभारत का पाठ अगर करते हैं तो महाभारत की कथा हुआ, रामायण की पाठ करते हैं तो रामायण का कथा हुआ, ये सत्संग नहीं हुआ, ये तो कथा में चला गया। संत मत के सत्संग को समझने के लिए संत की वाणी की प्रधानता है, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम साधारण है, ये तो हल्का हल्का काम हुआ। भागवत के विद्वान लोग मौखिक प्रवचन खूब झाड़ते हैं तो लोग बड़े आनंद से श्रवण करते हैं, लेकिन भागवत के विद्वान चाहे रामायण का विद्वान हो कि कोई विद्वान हो, संतवाणी अगर उसके आगे रख दिया जाएगा तो संतवाणी को समझने के लिए दृष्टि योग नदानुसंधान, जिसने इनका प्रैक्टिकल नहीं किया है, इस पर साधना पर नहीं उतरा हुआ है, तो इस विषय से वह वंचित रह जाएगा। जैसा प्रवचन करता रहेगा श्रोता तो वैसा ही न रहेगा। संत की वाणी
संत ने लिखा है कबीर की वाणी बूझे। अगर संत के वाणी कोई बूझेगा तो भाषा जो उसका होगा तो संशोधित करेगा पहले भीतर में। मानस जाप से बिजली का तार नहीं बर सकता है। अब कोई कहे मानस जाप से बिजली का तार बरेगा, क्या होगा? लहास गिर जाएगा। दृष्टि जोग से बिजली की तार उग सकता है, मानस जाप से तो नहीं उगता। फर्स्टे में दिया योग हिन को पता कहाँ है? यो अपने योग हीन है और उस योग से जो दृश्य बदलता है तो दृश्य को तो योगी लोग जो योग करेगा वो देखेगा। अब बिना योग किए तो अटक कर पचास 150 घोरी धाने धान। गेट के अंदर बात करना चाहिए, गेट के अंदर बैठना चाहिए, गेट के अंदर ही अपना अनुभव करना चाहिए, साहस करना चाहिए। कबीर के बानी बूझे, तीनों लोक सूझे। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, योगहीन कोई प्रश्न का क्या पता चलेगा? तीन विषय आपको आगे में आया, तीनों लोक सूझे। हनुमान चालीसा को कोई पढ़ा होगा, आपन तेज संहारियो आपे, तो पहले संभलेगा तब तीनों लोग हाँकते कांपे कि अभी संभला हुआ नहीं है। और तीनों लोग की बात कर दिया, तीन लोग हाँकते तो लोग का अर्थ क्या हुआ? अर्थ को कोई संतों के वाणी को अर्थ को समझेगा तब तो उसको दिशा का ज्ञान होगा। और जब दिशा का पता नहीं तो दिशा के बात का पता का क्या ठिकाना? दिशा होना चाहिए। दिन की शोध रैन में लावे, रैनी के भीतर रह के सह सकेंगे तब न भीतर बाहर। रह के देखिए, इस भीतर में रहने वाले योगियों के लिए, योग किसे कहते हैं? एक बार 3 घंटे तक एक आसन पर जिसका पेट पीठ गर्दन सीधा नहीं रहेगा तो सत्संग के प्रवचन को प्रवचन करते करते बरबर करते करते भीतर रसातल चला जाएगा। उनको एक भी विषय का पता नहीं लग सकता है। उसका अर्थ यहां है। ये भौतिक विद्वान इसके विश्लेषण करेगा, यह शिक्षक तो सामने में बैठा रहता और वह शिक्षक को कोई देख नहीं सकता। वो नहीं देख सकता है, वही से पढ़ा देता है। इसे कहते हैं योग। एक आसन के लिए भोजन पर कमांड। अगर भोजन नहीं कमांड होगा, ध्यान से सुन लीजिए, बच्चा का खेल नहीं है, सत्यनारायण की कथा नहीं है, ये कोई महाभारत के बखान नहीं है, उपाख्यान नहीं है। पांचों पांडव को जब प्रश्न कर दिया यक्ष, हवा छूट गए। एक प्रश्न पर पांच चारों का मौत हो गए। यक्ष ने कहा मेरे प्रश्न का जो जवाब देगा वही पानी पिएगा। तो पानी के लिए तो सहदेव गया था,
और सहदेव को भूत भविष्य का ज्ञान, नकुल को भूमि का ज्ञान, अर्जुन को गांडीव का ज्ञान, भीम को बल का ज्ञान, धर्म को धर्मराज को धर्म का ज्ञान। लेकिन वो सब ज्ञान कहाँ चला गया यक्ष के सामने? भगवान कृष्ण उसका सब पांचों का शुभचिंतक था। भगवान कृष्ण ने ही यक्ष का रूप धारण किया, भगवान ने ही हरिण का रूप धारण किया, पांचों का परीक्षा ले लिया। जिसके पक्ष में है उनकी परीक्षा हो रहा। हम जो गुरु महाराज के इतने पक्ष में हैं, क्या हमारे गुरु महाराज कृष्ण स्वरूप ने उन्हें परीक्षा हमारा ले लगा? ये कोढ़िया है कि कौन है? गुरु महाराज तो वहीं से देख लेता है, सबके कण कण में विराजमान है। ये एक प्रश्न रख दिया कि सूर्य को उदित कौन करता है, उसके पीछे कौन चलता है, अस्त कौन करता है, प्रतिष्ठित कहाँ प्राप्त करता है? छह महीने के आगे पीछे को सहदेव को कोई होश हवास नहीं। इसे कहते अध्यात्म विषय। ये महाभारत के कविता नहीं है, अध्यात्म विषय। भगवान कृष्ण यक्ष बन करके कहा सूर्य को उदित कौन करता है? कोई विद्वान काशी के पंडित रहे कि कहीं का रहे, चंद्रलोक से आ जाए तो सूर्य को उदित करते सूर्य के निकट बैठा कौन है जो देखेगा उदित करते हुए? भौतिक विद्या का पहुंच है यहां तक? अस्त कौन करता है, प्रतिष्ठित कहां प्राप्त करते है? 135 प्रश्न किया, चार एगो को आगे में दिया, न अर्जुन जवाब दिया, न नकुल जवाब दिया, न सहदेव जवाब दिया, न भीम जवाब दिया। अब बिना जवाब देही के कारण सबका धराशायी हो गया, प्राण छूट गया। जबरन पानी पिएंगे तो प्राण छूट जाएगा। जबरन पानी पिए बिना जवाब देही का न तो कृष्ण का पहचान हुआ, न प्रश्न का जवाब दिया, हालत क्या गुजर गया, सबका मौत हो गया। तो आप हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमरे पाछे में भी हिसाब झारी है, अनभेदी के भी हिसाब झारी है, अब भेदी को भी हिसाब झारी है, आधा पेट खाने वाले का भी हिसाब, अब भर पेट खाने वाले का हिसाब, रात भर सोने वालों का हिसाब, और एक क्षण भी सोने वालों का हिसाब, सबको हिसाब देना पड़ेगा। सब PhD तो हवे में उड़ जाएगा। क्या कह दिया? जब शॉर्ट में कहता हूं, साहब भाई मारे गए युधिष्ठिर महाराज तब आए। युधिष्ठिर महाराज को जब प्रश्न कर दिया, कहा अच्छा ठीक है, उस समय लेकर वही आत्म स्वरूप भगवान कृष्ण का ध्यान की, योग देखिए कैसा, वह इस योग से पता कर लिया योग में कितना ताकत है। बहुत मत के लोग हैं, इस सब को मानने के लिए तैयार भी नहीं है, कहते ये सब झूठी बात है। ठीक है, आप कह दीजिए झूठे इसको। यक्ष को युधिष्ठिर ने क्या कहा? आप प्रश्न कीजिए। जैसे प्रश्न किया, कहा आप ध्यान से आप सुनिए, वर्म जो है सूर्य को उदित करता है और देवता उसके पीछे चलता है, धर्म उसको अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह भजन भेद मिला है कि नहीं मिला है? प्रवचन करता कोई भजन भेद मिला है कि नहीं मिला है? तो प्रवचन करता को तो ये चार बात का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन किसका नाम है? मौखिक से क्या होगा? वेदना पुराण सीधे उड़ान, महत्व उसका है। आप जब साधना पर बैठेंगे तो संतवाणी का क्या अर्थ है,
चारों दिशा का कहाँ नियम है वो आप किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, आपसे आप वहां दर्शित होते हैं, अपने आप वहां दर्शित हैं। वो आराध्य कन कन में विराजमान है, शरीर छोड़ के गए हैं, भक्तों को छोड़ के गुरु महाराज नहीं गए, शरीर छोड़ दिया लेकिन भक्तों के हृदय में आकर के समा गए गुरु महाराज। क्या नहीं देखेगा, वो तो तीनों लोक के मालिक है। कबीर साहब के वचन में है योग करने के लिए जो करता है, चूबत आमी रस, अमृत का रस, चूबत योग से क्या चूता, चूबत तो वहां लोग क्या करेगा, पानी गिरता है तो लोटा थरिया लगा देते हैं, जब अमृत चुएगा तो क्या लगा देंगे। पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, ध्यान देंगे, चुबत आमी रस, भरत कौन सी भरता है वहां, भरत तान, अब यहां लिखते हैं भरत तान, अब भरेगा तो थरिया लोटा ना, NQR गेट लगा हुआ, भरत तार शब्द उठे आसमानी, सूरत के तार पर, सूरत के ताल पर अगर वह अमृत के रस बिंदु अगर चमकेगा गिरेगा, चुबत अमीरस भरत ताल जब शब्द उठे आसमानी, उस शब्द को ई कान से नहीं सुनेंगे, वो अंतकरण की कान से सुनेंगे। इधर कोई किसी को देख सकता है, उधर सबको सब देखने की क्षमता नहीं है, नियमे नहीं है। श्रद्धा शब्द उठे आसमानी, कह दिया ई काव गुरु की कृपा, कहिए गुरु की कृपा, हम साधना नहीं करेंगे कौन कृपा गुरु महाराज करेंगे, करेंगे तब न कृपा, आ करेंगे ही नहीं आ केवल किताबी ज्ञान को छाटेंगे, ये क्या हो जाएगा, अंधा गुरु बहरा चला के बराबर हो जाएगा। गुरु की कृपा होई, जब गुरु की कृपा होगी तो गुरु की कृपा होई तब हो भय, साधना करेंगे हम तब गुरु कृपा करेंगे तब होगा, अगर कृपा नहीं करेगा तो नहीं होगा, तो हम कैसे ही साधना करेंगे जो गुरु महाराज कृपा करेंगे। तो गुरु महाराज के निर्देशा अनुसार अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे, मौत के दशा जब साधकों को होगा तब मौज होगा गुरु का, जब मौत मौत का दशा साधकों को जब सामने गुजरेगा तब परमात्मा का तब संसद गुरु का मौज होगा। इन्हें कि भार पेट दही चुरा का करके फौ फौ रात करेंगे तो गुरु महाराज कृपा करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु की कृपा होई तब जब साधक मौत जुड़ेगा उसके सामने, शरीर कांपेगा, राम के भजन करो देह के गंजन करो, शरीर राम के भजन करने वाले का शरीर का सिफारिश नहीं होते, जहां सिफारिश है तब तो सिंगार बेसिया है, और सिंगार का ग्रहण करने वाले भरुआ कहलाता है, अति सिंगार सुख देत है कर्म इंद्रियां जाल, चौदो इंद्री घाट घाट पर कहां जई है कहां हुई है उबार, जहां 14 इंद्रिया के भीतर में ये चेतन फंसा हुआ है, तो गुरु महाराज क्या लिख दिया, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुनी फंसी श्रुति आई यम फांसी, इनसे अरा देव कहते बिना गुरु की कृपा पाए नहीं,
गुरु की कृपा तो वहां है, तो वहां चलिएगा ना, वहां वहां ये सब शरीर सब इंद्रियों को छोड़कर, सुनेंगे ध्यान से कि सब इंद्रियों को छोड़कर आई चेतन को कहां ले जाएंगे, कर पर, कमल कमल पर, कंचन कंचन पर दुभाती, एक समय सखी अतरज देखा दही पर दूध ले जाती। किए आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य, आश्चर्यजनक एक क्वेश्चन होते हैं, कर पर कमल, कर पर कमल, कमल पर कंचन, कंचन पर दुभाती, एक समय सखी अतरज देखा दही पर। कैसा होना चाहिए हमारे आराध्य, क्या कहते हैं, ज्ञान दधि, कैसा ज्ञान होना चाहिए, दधि के समान। दूध को पानी को बाहर में रख दीजिए, वो हवा में हील डोल होगा, लेकिन दही को अगर रख दीजिएगा तो उस कभी नहीं लेगा। दही बाहर में रख दीजिए नहीं लेगा, और दूध को बाहर में रख दीजिए थोड़ा सा तो हवा बहेगा तो हिलवे न करेगा। ज्ञान दधि और ज्ञान घन, कहा सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहु भारी। तो दधि किसका नाम हुआ, स्पष्ट है, ज्ञान के भीतर में यह चेतन दधि के समान जब जम जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तो क्या कह दिया है, एक समय हरि घोरा भयो ब्रह्मा भयो पलान, और चांद सूर्य लगमा भयो चढ़ गई चतुर सुजान। जब सूरत में एक बार कमांड हो जाएगा, नौके शोध श्री श्री लाभ, एक बेर सुमेर चढ़ाव मेरुदंड पर आसन डाके, या चढ़ाने वाले लोग या मेरुदंड रीढ़ को सीधा करके रखेगा, तैयारी करके रखेगा। किसी को बाण मारने से पहले हाथ को सीधा करना पड़ता है, बाण पर हाथ को सीधा करना पड़ता है, तन की कमांड सूरत के रोध, यानी तन के कमांड को सही रखना पड़ता है, सूरत का शब्द बांध लेता ना है। अगर इस शब्द को कला को अगर हम इसे वंचित रहेंगे तो हम लोगों को इलाभ नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात लिखा है, एक आसन में कितना गुण है, कहा नौ के शोध श्री श्री लाभ, एक बेर एको बार जब कभी आई चढ़ाने वाले के शरीर में कपनी छूट जाएगा। जब रेगुलर साधना करेंगे, रेगुलर साधना करेंगे तो दर्द तो सब जगह आवेगा, पीठ में भी जांग में भी, और जब तीन चार घंटा तक बैठे रहेंगे तो ये दर्द टेब लेता है कि अब हमरा हमसे ये नहीं हिलेगा, तो सब दर्द अपने आप वापस चला जाता है, सब दर्द हट जाता है और फ्री हो जाता है साधक। तब तो 10 घंटा बैठेगा, 5 घंटा बैठेगा, इसको कोई नहीं कुछ कह सकेगा, कोई दर्द नहीं हो सकेगा इसको। जब इतना रेगुलर पर हम उतर जाएंगे तब कुछ रहस्य, दिवस दिन बीता, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, जब कुछ रहस्य दिवस दिन बीता तब हरि के कृपा भय रघुनाथ जी जीता, तब रघुनाथ जी के कृपा हो जाएगा। जब बहुत काल तक बैठेंगे साधना करते रहेंगे करते रहेंगे, उसके अंदर में अहंकार, उसके अंदर में ईर्ष्या, उसके अंदर में लोभ, वो गेट पर जाने का क्षमते नहीं है, लोभ ईर्ष्या अहंकार वो गेट पर क्या करेगा जाकर, वहाँ इंद्री द्वार है नहीं, आ जो वहाँ वो जाएगा। इसीलिए संत लोग पूरा कह दिया, नौ के शोध सिर सिर लावे, एक बेर सुमेर चढ़ावे, सन्मुख होके प्रेम डिढ़ावे गगन गुफा की हाल। तब योग में पावर है कि उसका हाल लगे गगन गुफा में अति उजियाला, अजपा जाप जपे बिन माला, बिना शंख सहनाई बाजे, ये आवाज को साधक लोग सुनेगा, बिना शंख सहनाई बाजे, तब
अलख निरंजन, वो परमात्मा संसार के सृष्टि कर्ता मालिक जो है वह अलग प्रकट हो जाएगा। अलख निरंजन 24 धाबे अहीरा भरल भंडार, यानी सुखों का भंडार हो जाएगा। 12 मास बूंद जहाँ बरसे, रैन दिवस वहाँ लखिन पड़े, बिरला समझी पड़े वही गलियन, बहुरी ने प्राणी देह धरे, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।